हाय, दिस इज आरपी यादव और आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक नई स्कीम जिसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि परंपरागत कृषि विकास योजना है वो क्या है, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि परंपरागत कृषि विकास योजना है क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव है, और ये जो परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल मेथड या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे कि यहाँ से अपन देख सकते हैं कि परंपरागत का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड। जो ट्रेडिशनल मेथड है एग्रीकल्चर का, एग्री जो कल्टीवेशन अपन करते आ रहे हैं उसको वापस से जो है लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये किस पे फोकस करती है, तो ये चीज अपन बताएं। तो परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो प्रमोट करती है आपके ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें अपन बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका कम से कम यूज करें या उनका जो यूज है उसको अवॉइड करें। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था उसमें जो मोर ग्रो मोर फूड जो टैगलाइन थी उसकी, कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है अपन ग्रो करें, तो इसके दुष्परिणाम अपन ने भुगते कि लगातार जो है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के यूज़ से आपकी जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी है वो क्या हो गई, धीरे धीरे डिक्रीज हो गई। तो उस जो डिक्रीज हुई उसका जो इफेक्ट ये हुआ कि अब जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर, जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर लैंड का वो लगातार कम हो रहा है, साथ ही जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस दुष्परिणाम को कम करने के लिए ये एक कंसेप्ट दिया गया है जिसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत अपन ऐसे इनपुट यूज करते हैं जिनसे सोइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे और आपका प्रोडक्शन है वो एक सस्टेन हो सके, उसमें जो यील्ड का डिक्रीजमेंट है उसको सस्टेन किया जा सके। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इस स्कीम से रिलेटेड चीजों का। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें तो टैगलाइन लिखी हुई है मैकिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इज फैशनेबल, यानी कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसको अपन एज ए ऑप्शन यूज ना करके एज ए फैशन यूज करें, यानी सभी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें। इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केट वैल्यू, साथ ही जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके पेस्टिसाइड हैं उनके जो क्रॉप में रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं तो उस मात्रा को कम किया जा सकता है, तो आपके लिए जो है वो क्या होगा, सेफ होगा। ठीक है, कि लगातार जो अपन केमिकल वगैरह यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि क्रॉप के जो प्रोडक्ट है, फूड मटेरियल है, उसमें इसके रेजिड्यूज जो है प्रेजेंट होते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार जितने भी अपन चीजें खा रहे हैं या जो भी ड्रिंक कर रहे हैं तो उस सभी में किसी न किसी मात्रा में या किसी न किसी रूप में जो है आपके जो फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड है उनके रेजिड्यूज जो है वो पाए गए हैं। तो इस इफेक्ट को देखते हुए ताकि आपकी जो हेल्थ है वो सही रहे, तो इस योजना के अंतर्गत यही अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे द परंपरागत कृषि विकास योजना, शॉर्ट में इसको PKVY बोलते हैं। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया और ये मेथड जो मैंने बताया आपको कि ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है एग्रीकल्चर का। और ट्रेडिशनल मेथड को आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल मेथड था तो उस टाइम जो है किसी प्रकार की कोई फर्टिलाइजर वगैरह का यूज नहीं किया जाता था, जो भी इनपुट वहां पे अवेलेबल था उसका यूज किया जा रहा है वापस से, ताकि जो एक तो कॉस्ट को कम किया जा सके, दूसरा ऑर्गेनिक जो मैटर है, ऑर्गेनिक जो रेजिड्यूज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और फार्मर जो है उसको ज़्यादा बर्डन या जो क्रेडिट कार्ड जो लोड है वो भुगतना ना पड़े। तो इसमें अगर अपन बात करें 2015 में लॉन्च की गई, जिसमें सोइल हेल्थ मैनेजमेंट जो कंपोनेंट है आपकी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, उसके अंतर्गत इसको रखा गया कि परंपरागत रूप से जो कृषि है उसको प्रमोट किया जाए। और परंपरागत रूप से जो कृषि की जाती है तो वो क्या कौन सी होती है, आपके ऑर्गेनिक फार्मर, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर जो है वो यूज नहीं लिया जाता है, उसमें प्लांट की न्यूट्रेंट जो अवेलेबिलिटी है या डिमांड जो है उसकी सप्लाई करने के लिए टोटली जो है ऑर्गेनिक मैटर का यूज किया जा सकता है। साथ ही इसमें जो कंट्रोल है, इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल है, डिजीज मैनेजमेंट है, उसके लिए अपन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट, ये सारे विकल्प यूज करते हैं। और उसमें अपन जो केमिकल यूज है उसको कंप्लीटली क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी जो लागत है क्रॉप की कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, साथ ही उसकी जो क्वालिटी है क्वालिटी इंक्रीज होगी, तो मार्केट में जो प्राइस मिलेगा आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का उसको आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें अपन बात कर रहे हैं कि सोइल हेल्थ मैनेजमेंट जो SHM कंपोनेंट है उसके अंतर्गत
आपका जो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसका ये एक सब कंपोनेंट के रूप में माना जाता है, तो उसी के अंतर्गत आपका PKVY आता है। इसके बाद में अपन बात करें तो PKY जो है इसका एम क्या है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मर फार्मिंग जो है उसको सपोर्ट करता है, साथ ही इस योजना के अंतर्गत जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो अडॉप्ट करना चाहते हैं फार्मर उनको क्या करता है, ये प्रमोट कर रहा है। तो एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एरिया है वो क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज होगा इस योजना से। दूसरा अगर अपन बात करें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करने के लिए अपन जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है या सस्टेनेबल जो क्रॉप डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड इसमें फार्मर को जो है एक्सटेंशन वर्कर इससे अवेयर करवा रहे हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो सॉइल जो है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, यानी कि उसकी हेल्थ का प्रॉपर क्या हो रहा है, केयर हो रहा है, और सॉइल में उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाएगा जिनकी आवश्यकता होगी। तो इससे क्या होगा कि जो आपका कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रहा है, ऑर्गेनिक जो मैटर है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अपन इसमें यूज़ करेंगे, जो आपका काऊ डंग है या जिसको मोस्ट ऑफ दी जो अपन किस में यूज़ करते हैं, बर्निंग में यूज़ करते हैं, तो उसको सही प्रकार से कंपोस्ट बना के और जो आपके क्रॉप रिजिड्यूज हैं उनको सही प्रकार से मैनेज करके उनको जलाएं नहीं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सॉइल है उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस है क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सारी इसमें चीज़ें अपन देखते हैं। दूसरी अपन बात करेंगे कि ऑर्गेनिक जो फूड होता है उसके लिए मार्केट जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल करवाते हैं इस स्कीम के अंतर्गत, ताकि जो फार्मर है उसको सही दाम इस प्रोडक्ट का मिल सके। और जैसे कि आप देखते हैं मार्केट में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं या हर्बल प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइस एज कम्पेयर टू जो आपका केमिकल फूड होता है या अपन जो फर्टिलाइजर यूज करके जो प्रोडक्शन ले रहे हैं उसके अवेज में ज़्यादा होता है। तो इसका अपन कह सकते हैं सीधा सा अर्थ है कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, फार्मर का उसकी तरफ ध्यान केंद्रित होगा, ठीक है। तो फार्मर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि ऑर्गेनिक फार्मर फार्मिंग को अडॉप्ट करें, ठीक है। तो ये दूसरा यहाँ पे बात करेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होता है, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इससे फार्मर को जो प्रोडक्ट है वो बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे आप मार्केट में जाके बोलोगे कि ये हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो ऐसे आपके कोई बिलीव नहीं करेगा। तो इस स्कीम के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था रखी गई है जिसमें जो फार्मर है उनको प्रॉपरली जो एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसके माध्यम से वो ये शो कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर है वो यूज़ नहीं किया गया है। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको इंक्रीज किया जाएगा। इसके बाद में बात करें इसके फंडिंग जो पैटर्न की, तो फंडिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका जो रेशियो होता है 19:10 होता है, जिसमें सेंटर और स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के, तो ऑब्जेक्टिव का मैंने बताया कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनमें जो ऑर्गेनिक जो केमिकल रेजिड्यूज है उसको कम करना, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली मेथड है क्रॉप कल्टीवेशन के उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, उनके बारे में जो है फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा बताना, और फर्टिलाइजर के अवज में जो ऑर्गेनिक मैटर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनको यूज़ लेना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो न्यूट्रेटिव वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी, साथ उसमें क्या होंगे केमिकल्स जो है या पेस्टिसाइड के जो रेजिड्यूज जो प्रेजेंट होते हैं उससे कम किया जा सकेगा। इसके बाद में बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है एरिया है उसको क्या कर रहे हैं अपन प्रमोट कर रहे हैं, तो एरिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होगा तो किसान जो है हर किसान उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। इसके लिए रूरल और जो अर्बन फार्मर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनके माध्यम से फार्मर को अवेयर करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में रिक्वायर होती है, तो उन टेक्नोलॉजीज के बारे में बताना, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो उसमें किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करेंगे, तो फिर अपन जो है इंसेक्ट पेस्ट वगैरह को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो इन कार्यों के लिए यूज़ की जाती है उस टेक्नोलॉजी के बारे में अपन फार्मर को बताएंगे, ताकि वो उससे अवेयर होके उनका सही और प्रॉपर जो है यूज़ ले सकेगा, ठीक है। दूसरा अपन बात करेंगे कि इसमें जो एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट है या जो सर्विसेज हैं उनका प्रॉपरली जो है ध्यान रखते हुए अपन इस एग्रीकल्चर फील्ड में उसका यूज़ करेंगे। इसके बाद में बात करें कि
जो क्लस्टर डेमोस्ट्रेशन है, यानी कि किसी चीज को एक्सटेंशन में आप समझते हैं, डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई टेक्नोलॉजी है उसको फार्मर के फील्ड पे जाके या उसमें जो विलेज होता है वहां पे जाके डेमोस्ट्रेट करके उसको दिखाना, करके दिखाना कि ऐसे आपको करना है, ठीक है। क्योंकि फार्मर जो होता है वो किसी चीज को देख के जो है इजीली उस चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। वैसे अपन जो है किसी चीज को समझाते हैं तो समझ में नहीं आता है या कम समझ में आता है, तो पहले उसको दिखाते हैं अपन कि आपको ये टेक्नोलॉजी है उसका यूज इस प्रकार करना है। तो इस योजना के अंतर्गत जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने वाली जो टेक्नोलॉजी है उनका डेमोस्ट्रेशन कंप्लीटली किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करें इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, तो इसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फार्मर हैं उनके ग्रुप भी बनाए जाते हैं, और इंडिविजुअली अगर फार्मर है ऑर्गेनिक फार्मर फार्मिंग को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए इसमें सब्सिडी भी अवेलेबल होती है। वैसे अगर अपनी इसमें बात करें तो क्लस्टर अप्रोच, यानी कि कुछ फार्मर जो है मिलके और जो टोटल एरिया है या उनका जो कंबाइंड एरिया है उसको एक साथ है ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रमोट करते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि एक फार्मर जो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है और दूसरा फार्मिंग नहीं करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो जो बरसात का जो पानी होता है या जो रन ऑफ होके जो वाटर आ रहा है तो उससे क्या होता है कंटामिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि क्लस्टर अप्रोच में अगर किसी चीज को की जाए या ऑर्गेनिक फार्मिंग को किया जाए तो उससे क्या होगा कि सभी फार्मर है प्रॉपरली ध्यान रख पाएंगे कि किसी प्रकार का कोई केमिकल फर्टिलाइजर है अपन यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके लिए अपन बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग सेल जो है उसके द्वारा आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, वो प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, और जो कॉपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर है उनके द्वारा कुछ स्कीम चलाई जाती है ताकि फार्मर है वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करने की कोशिश करें। इसी प्रकार अपन बात करें स्टेट लेवल पे या स्टेट डिपार्टमेंट पे जो है कई प्रकार की जो रीजनल काउंसलिंग जो रजिस्टर्ड एजेंसी है उनके द्वारा फार्मर को अवेयर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि पूछा जाता है आपको कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट बना है जो कंप्लीटली जितना भी एरिया है उसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया है, प्रमोट किया गया है। दूसरी लाइन है फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू सेट अप ऑन द बड़ौदा गुजरात। तो ऑर्गेनिक जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जितना भी रिसर्च वगैरह होगा तो वहाँ पे जो कल्टीवेशन होता है, ठीक है, अगर आपने मास्टर ऑफ साइंस किया है तो आप समझते हैं कि किस प्रकार आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च के लिए क्या किया जाता है, जो एरिया है वो अलॉट किया जाता है, और आपको प्रोडक्शन के जो डेटा वगैरह है वो आपको क्रॉप ग्रो करने के साथ साथ यूज किए जाते हैं। तो वो सारा अवेयरनेस इसके जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी है उसमें स्टार्ट किया जा रहा है। इसके बाद में बात करें नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के, कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट जो है वो कौन सा है, तो इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म की अगर अपन बात करें NOFRI, ठीक है, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे है आपके सिक्किम है। और अपन बात करें सबसे ज्यादा जो रजिस्टर्ड एरिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का तो वो है आपके MP का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे ज्यादा जो रजिस्टर्ड एरिया है वो आपके जो मध्य प्रदेश है उसका है, ठीक है, और कंप्लीटली किसका है, सिक्किम का। इसके बाद में बात करें नाउ आफ्टर सिक्किम मेघालय टू बी डिक्लेयर्ड ऑर्गेनिक स्टेट, और सेकेंड जो स्टेट है आपका वो कौन सा है, मेघालय। तो आपको याद रखना है कि कंप्लीट जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो कौन सा है, सिक्किम है। अपन बात करें मैक्सिमम एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो रिकॉर्डेड है या रजिस्टर्ड है वो कौन सा है, आपके मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसके बाद में बात करें अकॉर्डिंग टू द स्कीम फार्मर हैव फॉर्मड क्लस्टर। अब देखिए क्लस्टर की बात करें, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप में। तो इसमें इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया है कि इसका टारगेट है कि 50 एकड़ ईच क्लस्टर, यानी कि एक क्लस्टर जो ग्रुप होता है उसमें 50 एकड़ जो है वो सोइल या लैंड है उसको रखा जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत इसका जो एम रखा गया है वो रखा गया है 10,000 क्लस्टर। 10,000 तो क्या हो जाएंगे, क्लस्टर हो जाएंगे, और एक क्लस्टर में क्या होगा, आपके 50 एकड़ जो है वो जमीन होगी। इस योजना के अंतर्गत टोटल जो एरिया है वो है 5,00,000 एकड़ जो है 3 साल में फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है,
कहने का मतलब कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्लस्टर्स हैं वो कितने हैं, 10,000 क्लस्टर हैं, और एक क्लस्टर है उसमें 50 एकड़ जो है वो जमीन रखी गई है, और इसका टारगेट 10,000 क्लस्टर। और इस 10,000 क्लस्टर के अप्रोच से अगर अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करते हैं तो 3 साल में अपन 5 लाख एकड़ जो है उस लैंड पे अपन क्या कर सकेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको अडॉप्ट कर सकेंगे। तो ये इसके एम के साथ ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई। ठीक है, इसके बाद में बात करें, दिस प्रोजेक्ट इज कवरिंग सर्टिफिकेशन कॉस्ट एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू द ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। तो इसमें यानी ट्रेडिशनल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज लेते हुए और साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन अपन कर रहे हैं तो उसको सर्टिफिकेशन के अंतर्गत लाना, क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेशन में नहीं लाओगे तो आपको जो मार्केट में जो प्राइस मिल रही है वो आपकी जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उसके कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेशन लाते हो तो उसके बाद में आपकी जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। इसके बाद में जो मॉडर्न और जो लोकल मार्केट है तो वहां पे क्या किया जाता है कि वहां पे उस जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस के बारे में या उसकी जो वैल्यू है, न्यूट्रेटिव वैल्यू है, उसके बारे में बताया जाता है। तो इस स्कीम के अंतर्गत अपन ने जो आपकी टोटल जो अर्थ है या टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें सभी जो एरिया है या पूरा जो कंप्लीट एरिया है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए या प्रमोट करने के उद्देश्य से ये स्कीम है वो स्टार्ट की गई है। अब देखिए, अपन अपन बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपने को थोड़ा सा उसको अडॉप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं जो है केमिकल फर्टिलाइजर या फिर जो पेस्टिसाइड है उनका यूज करना मैंडेटरी होता है। तो उस अप्रोच को अपन किस प्रकार कम करेंगे कि जो आपकी ट्रेडिशनल मेथड है उसके जो क्रॉप वगैरह के जो सीड वगैरह होते हैं तो उनमें कुछ हार्डनेस होती है, या जो ब्रीडिंग के कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनके द्वारा अपन कुछ ऐसी वैरायटी का यूज करें तो उनमें किसी प्रकार का पेस्ट वगैरह इनका अटैक ना हो। साथ ही इनपुट के रूप में या जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको प्रोवाइड करवाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जो क्रॉप रिड्यूस होंगे या जो आपके फसल है या फिर आपके जो क्रॉप बोल सकते हैं या प्लांट जो है उनके जो लीव्स वगैरह है उनको सही प्रकार से डिकम्पोज करेंगे, और आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको अपन डिस्पोजल ना करके उसको अपन एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे। तो इस स्कीम में फिलहाल इतना ही। इसमें अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार की जो बाकी अपन स्कीम है वो आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट तैयारी अभी स्टार्ट नहीं किए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, और आपका जो बर्डन है, आपका जो लोड है स्टडी का, उसको कम करते हुए पर डे जो है आप एक स्कीम को क्लियर कीजिए। तो आप, मेरी उम्मीद है कि आपको स्कीम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जो कंप्लीट गाइडलाइन है इस स्कीम की वो देख सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा आपके लिए लेंदी होगा। एक स्कीम की जो गाइडलाइन है लगभग 100 पेजेस की होती है, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाता हूँ। फिर भी किसी स्टूडेंट को डिटेल में पढ़ना है तो वो वेबसाइट पे जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकता है। साथ ही कोई अगर आपका सजेशन हो तो वो हमारे को बिल्कुल बताए ताकि हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।